हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? तो आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो जिसमें मैं बताऊँगी प्रोटीन के बारे में। सभी लोग प्रोटीन के बारे में सुनते रहते हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। तो प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, यह आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। जैसे शरीर को पानी और खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही बॉडी को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन आपके शरीर में क्या क्या काम करता है, यह आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हर प्लेटफॉर्म पर ये बात होती है कि प्रोटीन खाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग को कोई कमज़ोरी होती है तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए। तो वो क्यों खाना चाहिए, यह आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है तो प्रोटीन हम लोगों को अच्छी मात्रा में ही लेना चाहिए। वास्तव में प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करता है। और बार बार ये बात होती है कि प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो ये प्रोटीन है क्या? तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, क्या वर्क करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में तरह तरह के काम करता है, चाहे हमारा मसल्स बने, चाहे हमारे बाल बढ़ें, चाहे हमारे नाखून बढ़ें, चाहे हमारी बोन्स की बात हो। तो इन सब कामों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? प्रोटीन के ऊपर। और दूसरा है हमारे ऑर्गन्स की जो शेप एंड साइज है, सब प्रोटीन ही निर्धारित करता है। रियली दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। एनर्जी का रेडीमेड स्रोत है प्रोटीन। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। और जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है तो बॉडी प्रोटीन से, तो जो एनर्जी होती है वो हमारे प्रोटीन ही उसको देता है बॉडी को। तो ये जो दूसरा सोर्स है प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी में शक्ति देता है। और जब आप वेट लॉस करने जाते हैं जिम में तो जिम के जो ट्रेनर होते हैं वो भी आपको एक प्रोटीन का पाउडर देते हैं, बोलते हैं प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन से बनी चीज़ें लीजिए, आप एग्स खाइए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो भी इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे मसल्स को लूज़ होने से बचाता है, इसीलिए जिम ट्रेनर प्रोटीन पाउडर बताते हैं। और पीनट बटर भी बताते हैं, उसमें भी प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में होता है। जिम के टाइम पीरियड में प्रोटीन बेस्ड आइटम खाने को इसीलिए बोला जाता है। और फ्रेंड्स है बोन्स का भी, जो तो फ्रेंड्स बोन्स को भी केवल कैल्शियम नहीं चाहिए, केवल विटामिन नहीं चाहिए, केवल विटामिन डी नहीं चाहिए, बल्कि प्रोटीन भी चाहिए। कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन और एक्सरसाइज, ये चार चीज़ मिलके आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाते हैं, हड्डी की बीमारी से बचाते हैं। इससे फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और जो प्रोटीन है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है। जब मेटाबॉलिज्म हम लोगों का फास्ट रहता है तो हम लोग के शरीर में फैट नहीं जमा होता है, हम लोगों का खाना अच्छे से पचता है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म फास्ट होना। और जब हम लोगों का मेटाबॉलिज्म कम होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, तो हम लोगों के फैट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोटीन आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। जब आपको कहीं चोट लगती है, कट जाता है, कहीं इंजरी हो जाती है, तो अच्छी मात्रा में अगर प्रोटीन लिया जाता है तो वो घाव जल्दी भर जाता है, हमारी इंजरी जल्दी सही हो जाती है। तो डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं कि आपका जैसे हीलिंग वाला ऑपरेशन हुआ है या बहुत गहरा ऑपरेशन हुआ है तो बोलते हैं प्रोटीन बेस्ड आइटम लीजिए आप, तो आपका जल्दी से घाव भर जाएगा। और बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके बच्चे अगर बढ़ती उम्र में हैं तो उन्हें प्रोटीन खिलाइए। 1 ग्राम प्रोटीन से हम लोगों को 4.1 कैलोरी मिलती है। तो आइए जानते हैं प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन का सोर्स क्या है। तो ये प्रोटीन हमारे पनीर में सबसे ज़्यादा होता है, लो फैट मिल्क में होता है, अंडे में होता है, और जो सोयाबीन चंक्स होते हैं, सोयाबीन चंक्स होते हैं, वो सोयाबीन की जो छोटी छोटी बड़ी होती हैं उनमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और चिकन में भी होता है, और हमारे सब तरह की दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो ज़्यादातर कोशिश करिए मिक्स करके दाल अगर आप बनाते हैं तो प्रोटीन को आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और फिश में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो जो लोग फिश खा सकते हैं तो उनके लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है। बंगाल में भी फिश का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, आप देखते हैं उनके ज़्यादा टाइम तक बाल काले रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और मूंगफली के दानों में भी प्रोटीन बहुत होता है, इसीलिए लोग पीनट्स बटर भी यूज़ करते हैं।
पीनट बटर के रूप में या ऐसे ही मूंगफली के दाने खाकर आप अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रोटीन के फ़ायदे, और प्रोटीन किस किस में पाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपकी जो प्रोटीन की कमी है वो बॉडी में पूरी होती रहेगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। और प्रोटीन कितना लेना है ये आप किसी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो उसको भी एक लिमिट में ही खाना है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपकी अपनी मधु, रियल वन मधु उलागर। बाय बाय।